मन में बार बार गंदे विचार आते हैं और दिमाग में भ्रम पैदा होता है, बार बार गुस्सा आता है और ज्यादा नींद आती है। इसके पीछे का एक ही कारण है, और वह कारण कौन सा है और इन सब बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए, वही हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मन के गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? जब हम अपने मन की बात मानते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करता है, भटक जाते हैं। और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रखते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक हम रोकते हैं उतना ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जितना अधिक आप किसी चीज से दूर भागते हैं, वह चीज आपको अपने पास ले जाएगी। इसलिए उस चीज से दूर मत भागिए, उस पर संतुलन बनाए रखिए। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि ही बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देख कर मोहित हो जाता हूं, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उसे युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हां यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उसे युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम ये समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसे चीज को पाने के लिए उसे चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है? ये गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी कम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हां बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम, बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, ये तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये कम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना, काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे।
उसे आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था उसे रास्ते में एक नदी पद्धति थी जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। वो लड़कियां 15-16 साल की होगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये परी कैसे नदी से पानी ला रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। उसने फिर से नदी के किनारे देखा और इस बार वह नदी के किनारे देखता रहा। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका दिमाग सब कुछ देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह ऐसा रोज करने लग गया, यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी ना किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती देखने को मचलता था। जब गुरु भिक्षा दे रहे थे तब भी उनका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। फिर एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा, आप और मैं एक साथ भिक्षा मांगने जाएंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ, जिससे वह तुरंत भिक्षा मांगने निकल पड़ा। सभी लोग उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। उसका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वह एक अपराधी की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है? गुरु ने देखा कि उसका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर नदी से पानी ले रही लड़कियों को देख रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या देख रहे हो? अपने मालिक की आवाज सुनकर वह डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह ऐसे कांपने लगा जैसे उसने किसी चोर को चोरी करते समय पकड़ लिया हो। उसी से की हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल कर रहा था। दूसरा का जो शिष्य के साथ था वहां से भाग गया। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला का रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो भय के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से शिष्य आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वो भोजन भी बहुत कम खाता था।
एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर मैं वादा करता हूं, लेकिन हर बार जब मैं वादा तोड़ देता हूं तो मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपने मन से सारे बुरे विचार निकाल दूं, लेकिन चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ गुरु। शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहां पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हां गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में रख दी तो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उसे नाली में रख दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि शिष्य, यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बहने लग गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। शिष्य फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर रख दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा, मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर निकल गया और अगल बगल से बह रहा है, और ध्यान से देखो इस पत्थर की आगे भी आ गया और से पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि ही गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए ही ना? गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उसे बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है, अगर हम यहीं से उसे रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हो गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा शिष्य से, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा, पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं, हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठाते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु शिष्य के पास गए और बोले कि बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कामुकता नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है।
तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। तब वह शिष्य रात को बहुत शांति से सोया, सुबह पूरे मन से अपना काम किया और फिर सुबह वहीं भिक्षा लेने चला गया, जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मंगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसे सन्यासी शिष्य के चरण छुए शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा, तभी पीछे से वह लड़का आया जो पेड़ के पीछे छिपा था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तुमने करीब से देखा है, आप तो मुझसे आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते, तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपाते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उसे लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया, और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है, अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो, यह शरीर है और यह सब हजारों वर्षों से सिखाया गया है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वो युवक वहां से चला गया। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, कर्मों की गति समझने के बाद सफलता जल्दी मिलेगी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत हम सब ने बहुत बार अपने जीवन में सुनी होगी, लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वो महापुरुष गलत थे या फिर हक कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कहानी को आखिर तक जरूर सुने, तभी आप अच्छी तरह समझ पाओगे। पुराने समय की बात है, किसी गांव में राकेश और भोला नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वो कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। राकेश बड़ा था और भोला से वो बहुत तेज और चालाक था। उसने भोला के हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी की जमीन भी खुद हड़प ली थी, इसीलिए भोला के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। भोला की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अपने भाई से विपरीत भोला बड़े ही शीतल स्वभाव का इंसान था। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर ये सवाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है और मेरा भाई इतना धूर्त है, इतना चालाक है, और वो हमेशा मजे में रहता है, उसी तो कोई परेशानी नहीं है। उस सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे यह संशय उसके मन में घर करने लग गया। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जब भी वो सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। भोला इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े,
कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द भोला के कानों में पड़े वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि हे महात्मा, आप हमेशा ही की बात का रट लगाते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूं तो मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कम होने चाहिए थे, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है बेटा कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है, बुरे समय में तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम्हें काम करना, आज संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। और ये कहकर वो सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है। संध्या समय भोला ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उसे अथाह शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था इसीलिए उसमें कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। भोला के मन में आया कि वो कुछ पल उन बंदरों और उन लंगूरों को खिला दें, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से वो फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही भोला उस कुटिया में पहुंचा वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा, अगर मन में था तो ये फल खिला क्यों नहीं दिया बंदरों को? ये सुनकर भोला आश्चर्यचकित रह गया। सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी? उसने पूछा कि महात्मा, आपको कैसे पता कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जरूरी यह नहीं है कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी ये बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपनी कर्ता को ढूंढ ही लेता है। ये कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। और ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिए। भोला इस बात का मतलब समझा नहीं पाया, इसीलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, मैं आपकी बात का आशय समझ नहीं पाया, कृपया करके मुझे अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की अनुकंपा करें। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा, लेकिन समझने की बात यह होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य है तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढ कर निकाल लेगा। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, या कहें कि मुख्य कर्म, या फिर जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो, वो कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो, इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियां लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुझ तक पहुंच गए, और मुझ तक पहुंचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुंच गया। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया जो कि बहुत ही जरूरी था, ध्यान लगाकर सुनना। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है, तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हों, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई हो, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थे इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे।
सन्यासी ने भोला को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, भोला आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो, कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। भोला ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मा मुझे यह बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझको खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, इसके लिए बड़े ही सरल सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने योग्य बनने के लिए उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे होंगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूं लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहे, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुंचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें लेकिन फल की चिंता ना करें। भोला ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था, ये तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वो कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहां पर टिका हुआ था या नहीं था, या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका ले गए थे, और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम ये कर्म करो तो उसी कर्म पर टिके रहे, इधर उधर दूसरी बातों में भटके ना। भोला ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मा, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वो तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते हैं, इसके लिए कोई उपाय बताएं? सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि बेटा, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं, पूरे निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब ये तीनों चीजें तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वो योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। भोला को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था, उसे स्पष्टता मिल चुकी थी, वह उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वो इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, व्यक्ति को सच्चा ज्ञान मिल जाए तो ये तीन चीजें उसे खुद बखुद मिल जाती हैं। वर्षा काल समाप्त हो चुका था, सभी भिक्षु भ्रमण पर जाने की तैयारी में लगे थे, सारे पुत्र भी अपने शिष्यों के साथ विहार से प्रस्थान करने वाले थे। तभी एक घटना हो गई। चलते वक्त उनके गमछे का एक किनारा किसी भिक्षु को छू गया। उस भिक्षु ने इसे अपना अपमान मान लिया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा, भंते, स्थविर सारिपुत्र को आपका प्रमुख शिष्य होने का अहंकार हो गया है। उन्होंने मुझ पर प्रहार किया और अब क्षमा मांगे बिना ही चारिका पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुद्ध ने सारिपुत्र को बुलाकर पूछा तो सारिपुत्र बोले, मैंने इस भिक्षु पर कोई प्रहार नहीं किया है भंते। मैं तो उस धरती के समान हूं जिस पर फूल गिरते हैं तो उसे खुशी नहीं होती, और गंदगी तथा कीचड़ गिरता है तो उससे भी उसे रंजिश नहीं होती। मैं तो पांव के पोंछे की तरह हूं, भिखारी की तरह हूं, बिना सींग के बैल की तरह हूं। सारिपुत्र की ऐसी बातें सुनकर उस भिक्षु को अंदर से ग्लानि होने लगी।
वह तथागत के चरणों पर गिर गया और अपना दोष स्वीकारते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध बोले, सारिपुत, इस भिक्षु को क्षमा कर दें, वरना इसकी बड़ी बुरी दुर्गति होगी। अब सारिपुत्त घुटनों के बल बैठ गए और उस भिक्षु से कहा, आयुष्मान, तुम्हारे अपराध के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अगर मैंने भी कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा कर दो। यह सुनकर सभी भिक्षु कहने लगे, स्थविर सारिपुत्त की महानता तो देखो, ऐसे झूठे व्यक्ति पर क्रोध न करके स्वयं उससे भी क्षमा याचना कर रहे हैं। भिक्षुओं की सुखबुगाहट सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, जिसे सच्चा ज्ञान मिल गया है उसका मन और वाणी तो शांत रहती ही है, उसके कर्म भी शांत होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।